प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। लास्ट डे हमने पढ़ा था टेबल्स के बारे में कि टेबल्स क्या होते हैं, हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। वो तो आपको पहले भी 9th में थोड़ा बहुत आइडिया था, और 10th में सेम वही प्रोसेस है टेबल को इंसर्ट करने की, जैसा मैंने लास्ट डे आपको बताया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टेबल के अंदर हमने कोई रो डिलीट करनी हो तो उसको कैसे डिलीट करते हैं। तो उसके लिए स्टेप्स लिखे हुए हैं। द स्टेप्स टू डिलीट अ रो इन एन एग्जिस्टिंग टेबल आर। अब देखो, कोई रो डिलीट करनी हो किसी बने बनाए टेबल में, पहले जो पहले से बना हुआ है हमारे पास टेबल, उसमें से कोई रो डिलीट करनी हो तो उसके लिए स्टेप है कि राइट क्लिक इन एनी सेल इन द रो दैट यू वॉन्ट टू डिलीट एंड डिलीट सेल्स। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे हम सेल के ऊपर जो रो हमने डिलीट करनी है, दैट यू वॉन्ट टू डिलीट एंड डिलीट सेल्स ऑप्शन आएगी वहाँ पे। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन एंटायर रो। फिर वहाँ पे पूछेंगे कि पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है। चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको, है ना। तो मैं यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ, वर्ड 2013, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। एक टेबल बना लेते हैं हम पहले यहाँ पे, है ना। इंसर्ट, इंसर्ट में टेबल ऑप्शन पे जाके इंसर्ट टेबल, 5 कॉलम्स 2 रोज़। ठीक है, ये 5 कॉलम्स हो गए, नीचे को 2 रो हो गई। अब हम एक और बना लेते हैं इसमें ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर आ गया, और यहाँ पे आ गया क्लास, और यहाँ पे मैं भर देता हूँ मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर बन आ गया, यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे रोल नंबर आ गया, यहाँ पे क्लास आ गया, और यहाँ पे मार्क्स आ गए। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम एंटर कर देते हैं, राकेश कुमार, रोल नंबर 23। यहाँ पे 10th भर दिया, और यहाँ पे उसके 60 मार्क्स भर दिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे रो को डिलीट करने की। जैसे मान लो ये रो नहीं हमें चाहिए टेबल में, या फिर ये नेक्स्ट रो जो है वो ये बन गई है एक्स्ट्रा हमारे पास। ठीक है, तीसरे वाली रो, ये जो ऑटोमेटिक बन रही है ना रोज़, इसके लिए तरीका है कि लास्ट कॉलम में क्लिक करना है, और कीबोर्ड पे टैब बटन होता है हमारे कीबोर्ड पे, ठीक है, उसको प्रेस करते बन जाती है। अब मान लो कि एक रो नहीं चाहिए, तो उस रो को हम ऐसे डिलीट करेंगे कि यहाँ इस सेल पे क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल्स ऑप्शन आएगी यहाँ हमारे पास, और यहाँ पर बोलेंगे डिलीट एंटायर रो। ओके, ये पूरी की पूरी रो यहाँ से डिलीट हो गई। अगर ये भी डिलीट करनी है, फिर यहाँ सेल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे करेंगे डिलीट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक, और यहाँ पे डिलीट एंटायर रो। इस तरह से ये सारी रो डिलीट हो जाएगी। तो ये था रो को डिलीट करने का प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ कैन बी मर्ज सेल्स इन ए टेबल। हम एक टेबल में सेल्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं, सेल्स को आपस में कैसे मिला सकते हैं। ठीक है, द स्टेप्स टू मर्ज सेल्स इन ए टेबल आर। जो स्टेप हैं सेल्स को मर्ज करने के, सेल्स को आपस में मिलाने के टेबल में, वो दिए हुए हैं नीचे। सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू मर्ज, उन सेल्स को सिलेक्ट करो जिन्हें आप मिलाना चाहते हो। नाउ राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड सेल्स। उसके बाद हम जो सेल्स हमने सेलेक्ट किए होंगे ना, उनके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट मर्ज सेल्स ऑप्शन, और उसके बाद मर्ज सेल्स वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम यहाँ पे मैं एक रो और बना रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, राइट क्लिक किया, इंसर्ट से बन जाती है। अगर रो हमने इंसर्ट करनी हो, ऊपर करो चाहे नीचे करो, मैं यहाँ पे गया, राइट क्लिक की मैंने। ठीक है, इसके ऊपर करनी है ना हमने, यहाँ पे करनी है, मतलब यहाँ पे ऊपर, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, या यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, या यहाँ पे कर लो, या यहाँ पे कर लो। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो इसके ऊपर बना देगा फिर यहाँ पे, तो हमने ऊपर बनानी है इस रो के, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इंसर्ट में गए, और यहाँ पे इंसर्ट रो एबव, ये बन गई एक रो ऊपर। ठीक है, पूरी की पूरी। अब बात कर रहे थे कि मर्ज कैसे करते हैं। जैसे ये सेल्स बने ना,
दो तीन चार पांच कॉलम भी बोल रहे हैं इनको, हम सेल भी बोलते हैं हम इनको, ठीक है। तो इनको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मर्ज सेल्स, राइट क्लिक करके आएगी ऑप्शन मर्ज सेल्स। ये देखो मिल गए सारे आपस में, एक ही बन गया यहाँ पे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया स्कूल नेम GSS कक्कड़, ठीक है। इसके बाद इनको बीच में कर लो शिफ्ट, सेंटर में अलाइनमेंट, ये ठीक है, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, साइज बढ़ा दो। यहाँ पे साइज कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये लो 20 साइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम मर्ज करते हैं, ठीक है, ये हो गया मर्ज। अब बात करते हैं कि हाउ कैन बी स्प्लिट, अब बांटने वाला काम, पहले मिलाने वाला हुआ, अब बांटने वाला काम। मान लो कि हमने एक सेल को और भी पार्ट्स में बांटना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग सेल्स, स्प्लिटिंग यानी कि सेल्स को बांटना, मतलब स्प्लिट अ सेल इनटू टू और मोर रोज एंड कॉलम्स, सेल को स्प्लिट करना दो या दो से ज़्यादा रोज और कॉलम्स में, मतलब हम सेल को और भी ज़्यादा भागों में बांट सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। टू स्प्लिट अ सेल द स्टेप्स आर, सेल को स्प्लिट करने के लिए जो स्टेप दिए हो नीचे, राइट क्लिक ऑन सेल दैट यू वॉन्ट टू स्प्लिट एंड सेलेक्ट स्प्लिट सेल्स ऑप्शन, ठीक है। जिस सेल को हमने और पार्ट्स या और रोज और कॉलम्स में बांटना है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे स्प्लिट सेल्स ऑप्शन, ठीक है। नाउ एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, के बाद नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम ही जैसे हम टेबल बना रहे थे वैसे ही करेंगे, नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्लिक कर देंगे ओके के ऊपर। चलिए स्प्लिट को भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली करके। अब जैसे यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है ना, मान लो कि हमने यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स बने थे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस सेल को मैं क्या करता हूँ कि इसको बांट देता हूँ मैं तीन चार पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे इसको भी मैं पहले मर्ज कर लेता हूँ, ये मर्ज हो गया, अब इसको हम बांटते हैं, स्प्लिट करते हैं मतलब, ठीक है। इसके ऊपर मैं करूँगा राइट क्लिक, ठीक है। अब हमें चाहिए कि यहाँ पे ऊपर आ जाएँ हमारे कितने, चार पांच सब्जेक्ट आ जाइए, चार सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चार ही कॉलम बनेंगे, ठीक है, और नीचे को तो तीन ही रोज़ हैं, ठीक है, एक दो तीन रोज़ हैं और कॉलम कितने बनेंगे, चार सब्जेक्ट बनाए हैं। तो ये आएगी ऑप्शन, ये देखो राइट क्लिक करके स्प्लिट, यहाँ पे कॉलम बना देंगे चार सब्जेक्ट के लिए और रोज़ जो है हमारी वो तीन ही है, तो तीन ही करनी है, ठीक है। ये देखो ये बन गए, यहाँ पे भर दिया इंग्लिश, यहाँ पे हिस्ट्री आ गया, यहाँ पे मैथ्स आ गया और यहाँ पे साइंस आ गए। इंग्लिश में भर दिए, यहाँ पे 50, यहाँ पे 70 भर दिए, 80 भर दिए, यहाँ पे 95 भर दिए, ठीक है। और नीचे को भी सेम वैसे ही, यहाँ पे हमने 9 भर दी, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्प्लिट भी किया, ठीक है, मर्ज भी किया, स्प्लिट भी किया, रो भी बनाई। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि हम मर्ज टेबल में सेल्स को कैसे मर्ज करते हैं और सेल्स को अगर हमने बांटना हो फिर दोबारा रोज और कॉलम्स में तो कैसे बांटते हैं, ठीक है। अगर ये बांटने वाला फिर से समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे फिर बना देता हूँ। जैसे मान लो ये टेबल बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंसर्ट टेबल, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ तीन ही कॉलम और यहाँ पे रोज़ दो बना रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि इस कॉलम को बांटना है हमने, ठीक है, और भी पार्ट्स में। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि ये डबल बन गया है ना, तो इसको कर देते हैं मर्ज, ठीक है। अब देखो इसके मान लो कि यहाँ पे हमने भरने हैं मार्क्स, तो मैंने क्या किया था, राइट क्लिक किया था और स्प्लिट सेल्स। अब देखो ये रो दो ही है, रो दो ही भर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, दो ही भरनी है, नहीं तो गलत यहाँ पे एरर दे देगा, जितनी रोज होंगी ना नीचे को या एक होगी तो एक, और कॉलम जो है कॉलम जितने मर्जी भर लो, चाहे पाँच छः सात आठ दस जो मर्जी भरने हैं, ठीक है। ये देखो ये बन गए कॉलम, यहाँ पे मैंने सेम वैसे ही इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, यहाँ पे साइंस और यहाँ पे DRG ड्राइंग भर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स भर दिए, फिर इंग्लिश में 50, 60, 70 भर दिए, 80 भर दिए, 90 भर दिए, 95 भर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली बनानी होगी रो, तो कुछ नहीं है, लास्ट कॉलम पे क्लिक करना है और टैब दबाना है, ऑटोमेटिक बन जाती है नेक्स्ट वाली, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और कीबोर्ड से टैब बटन दबाया, ये ऑटोमेटिक बनते जाते हैं फिर नीचे, ठीक है। यहाँ पे नेम, यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से
जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको कंप्लीट करवाए, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। कल फिर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।